आपका फिर से स्वागत है सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान हिंदी टिप्स में। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाला आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल को दबाकर एक्टिव करें ताकि नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो सीरीज को। आज की वीडियो सीरीज में बात करने वाले कि हम अपने वेबसाइट को एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग में ट्रांसफर कैसे करें। ट्रांसफर करने देखिए अभी के समय में ट्रांसफर का जो नाम है चेंज करके माइग्रेशन कहा जाता है। तो ऐसे तो मान के लिए बहुत ऐसे होस्टिंग है तो आप वहाँ से लेते हैं तो माइग्रेशन वो लोग फ्री में कर देते हैं, बट कुछ ऐसा होस्टिंग है जो कि माइग्रेशन नहीं करते, ठीक है। और सिर्फ जो करते भी है तो आपका जो मेन साइट होता है उसी करते हैं, उसके अंदर जितना ऐडन होता है उन लोगों को नहीं करते, तो इसको आपको खुद से मैनुअली करना होगा। तो ऐसे कैसे माइग्रेशन करना है चलिए आज की वीडियो सीरीज में बताते हैं। जैसे 1 GB 500 MB रहता है तो लोग आसानी से उसको डाउनलोड करके अपलोड करके कर लेते हैं, बट उससे अधिक डाटा होता है तो नहीं कर पाते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे आपका डाटा 1 GB हो, 100 MB हो, या 1000 GB हो, या 1 TB हो, चाहे जितना भी स्पेस क्यों ना हो आपको वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं मेरे जो वेबसाइट है एक, मैं इसी को टेम्प्रोरी आपको मैं दिखाऊंगा। इसमें देख सकते हैं मैंने एक ही सॉन्ग अपलोड करके रखा है। आप चलिए आपको लाइव देख करके दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक एल्बम बनाया हुआ था, यहाँ पे एक सॉन्ग वगैरह है इसमें। अब इसको हम माइग्रेशन करते हैं किसी और होस्टिंग पे, और ये जो हमारा होस्टिंग है लोकल ही होस्टिंग है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको माइग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें जो मतलब दूसरे होस्टिंग पे जहाँ पे जाना है, मान के लिए मेरा अभी ये होस्टिंग हो गया गोडाडी का, ठीक है। अब हमें आपको इस होस्टिंग को हमें ले लेना है नेमचिप के अंदर। तो सबसे पहले हमें नेमचिप से होस्टिंग खरीद लेना होगा जो प्लान हमें चाहिए। और प्लान खरीदने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखा, आपका जो ये अभी जहाँ पे साइट लाइव है उसमें जितना डाटा है ना, मान के लिए मेरे इसमें 1 GB डाटा है, ठीक। तो हम जहाँ से तो दूसरे होस्टिंग में खरीदा तो वहाँ पे हम 3 GB डाटा वाला मतलब 3 GB स्पेस का होस्टिंग लेंगे, तभी हमारा यहाँ से वहाँ माइग्रेट हो पाएगा, ठीक है। उससे ऊपर आप जितना चाहे ले सकते हैं, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो मेन साइट है उसके सीधे मतलब 3 भाग अधिक लेना होगा आपको डाटा, तभी आपको होता है। इसमें होता क्या है कि आपका जो इतना डाटा है ना, मान के लिए 1 GB का आप उठा करके वहां पे माइग्रेट करेगा तो 1 GB जाएगा, उसको आप अनजिप करना होगा, अब आपका डाटा हो जाएगा 2.5 GB, ठीक है। इस तरह से आपका होता है क्योंकि जिप फाइल में डाउन रहता है। तो आपको अब 3 GB लीजिएगा तभी तो आपका माइग्रेट हो पाएगा ना अच्छे से, ठीक है, ताकि कोई फाइल आपको मिस ना हो पाए। अगर माई फाइल इस सर्वर पर कुछ बच जाता है, मिस हो जाता है, और वहां पे आप लेकर के जाते हैं तो आपका साइट सही से वर्क नहीं करेगा, फिर समस्या आएगा, ठीक है, जिससे आपको अपना कंटेंट डिलीट भी करना पड़ सकता है। तो इसके लिए चलिए आपको तरीका हम बता देते हैं, आपको बिल्कुल फ्री में माइग्रेट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपना मेन होस्टिंग में जाना है जहाँ पे आपका साइट अभी लाइव है। उसके बाद सारे होस्टिंग में आपको एक बैकअप का ऑप्शन मिल जाता है। ध्यान देखिएगा, आप होस्टिंग जहाँ से भी खरीदते हैं वहाँ से सबसे पहले कंफर्म कर लें कि बैकअप का ऑप्शन है कि नहीं। कुछ ऐसे लोकल होस्टिंग प्रोवाइडर जो कि बैकअप का ऑप्शन बंद करके रखते हैं, क्लोज करके रखते हैं, क्योंकि नहीं चाहते कि आप उनका होस्टिंग चेंज करो। कचरा तो होस्टिंग देंगे बट आपको चेंज करने भी नहीं देंगे, ठीक है। तो उसका भी तरीका है, मैं आपको वो भी बता दे दूंगा, बट सबसे पहले आपको ये तरीका जान लीजिए, उसके बाद मैं उस तरीके को बताऊंगा। तो सबसे पहले बैकअप पर क्लिक करते हैं। बैकअप पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए डाउनलोड ए फुल अकाउंट बैकअप का ऑप्शन होगा, इस पर ध्यान रखें, फुल अकाउंट बैकअप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अब हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ से सबसे पहले हमें आपको 3 नंबर ऑप्शन जो है रिमोट FTP सर्वर PSU मोड ट्रांसफर, इसका चुनाव कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे सामने एक इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। ईमेल एड्रेस में आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा, जिससे कि आपको बैकअप जैसे कंप्लीट बनकर उस वहां पे चल जाएगा, उस पर अपलोड हो जाएगा आपका बैकअप कंप्लीट, तो आपको मेल चला जाएगा कि आपका बैकअप बन गया 100%, और आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आपको रिमोट सर्वर देखिए आपका होस्टिंग का IP होता है, सर्वर IP, ठीक है। आपको वो जब होस्टिंग खरीदते हैं तो आपके मेल पर आता है सर्वर IP, आपको उसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद रिमोट यूजर, ये आपका cPanel का यूजर होता है, ठीक है, जैसे कि मेरा ये वाला cPanel का यूजर। उसके बाद cPanel का आपका रिमोट पासवर्ड जो है ना, cPanel का पासवर्ड है, आपको इसको डालना है। पोर्ट और रिमोट डायरेक्टरी दोनों को आपको ऐसे ही ब्लैंक कर देना है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको आपका सर्वर का यूजर IP डालना है, cPanel का यूजर और cPanel का पासवर्ड डालने के बाद जनरेट बैकअप पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक नया पॉपअप आएगा, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरह का बाइक एक डैशबोर्ड है, यहाँ पर दिख रहा है, और आपका ग्रीन सिग्नल लग गया है। यहाँ पर बोल रहा है फुल बैकअप इन प्रोग्रेस, ओनली द फुल बैकअप ऑफ योर अकाउंट हैज बीन कंप्लीट, यू विल रिसीव एन ईमेल, द ईमेल एड्रेस यू एसेसिव
आप कई वाला डेब यहाँ पे सो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ पर रेड सिंबल है तो आपका ध्यान रखिएगा आपका सिंपल का यूजर पासवर्ड AIP होस्टिंग का IP तीनों में से कोई गलत होगा। अब यहाँ पे आपको कौन सा यूजर और पासवर्ड आपको डालना चाहिए हम वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपको जहाँ से आपको मतलब अभी जो मान के लिए मेरा ये होस्टिंग अभी जो यहाँ पे लाइव है ये हमारा गुडाडी का है, ठीक है। अब हमें नेमचिप में डालना था, यहाँ पे नेमचिप का आपको सर्वर का IP डालना है और नेमचिप वाले सिपल का यूजर ID और नेमचिप का सिपल का पासवर्ड डालना है। इस तरह से आपको डालना है। उसके बाद अब आपका जनरेट बैकअप वो कम्प्लीट हो जाएगा, बाद तो आपका बैकअप वहाँ पे चला जाएगा। बैकअप जाने के बाद अब आपको उस होस्टिंग से लॉगिन करना होगा। उस होस्टिंग में लॉगिन कैसे करना है, आपको मेल पर IP आया होगा, उसमें आपको IP स्लैश सिपल डालना होगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ए वाला IP है, तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे स्लैश सिपल डालेंगे। डालने के बाद आपके सामने सिपल कैसे, अब सबको पता होगा वहाँ पे आपको सिपल का यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपना लॉगिन करके रखा है, मेरा देखिए ये वाला होस्टिंग साइट ग्राउंड का है और पिछला जो होस्टिंग था वो लोकल होस्टिंग था, ठीक है। तो मैं साइट ग्राउंड में अपना आ गया। साइट ग्राउंड का मेरा स्टार्टेड प्लान है, साइट ग्राउंड का सबसे बेहतरीन स्पीड मिलता है, मतलब क्या होता है आपको इसको अभी तक टक्कर देने वाला कोई और होस्टिंग आया ही नहीं है इंडिया के अंदर। तो आप इसको उपयोग करिए एक बार अवश्य आपको समझ में आएगा। चलिए आगे आपकी मर्जी। अब यहाँ पे चलिए आपको बता देते कि आगे करना क्या होता है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था। अब यहाँ पे हमें होम में आना है और एक बात का ध्यान रखिएगा कि मेरा उसी पर यहाँ पे बैकअप आ गया। आपका होस्टिंग का जितना बैकअप होगा उसके अनुसार से समय लेता है, तो आपको सबसे पहले कंफर्म करना है कि आपका मेल आ जाए। मेल जब तक नहीं आता है तब तक आपको अपने न्यू होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन नहीं करना, करके चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको बैकअप कंप्लीट नहीं मिलेगा। बैकअप एक फाइल तो आ जाता है बट उसमें टाइम लगता है। जब भी आप रिफ्रेश करेगा तो देखिएगा आपका वहाँ पे फाइल का स्पेस बढ़ता रहेगा। देखिए हमारा यहाँ पे बैकअप आ गया, आपका भी जो बैकअप आएगा उस नाम से होगा बैकअप और उसमें डेट होगा और आपका वो फाइल होगा। तो और ये आपका पहले का होम में आता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद और tar.gz फाइल में होता है, इसको सेलेक्ट कर लिया। मेरा 15.8 MB का है, आपका जितना फाइल होगा लंबा उतना समय लेगा, तो मेरा तो बस डाल दिया, बस उस वक्त हमारा आ गया। अब इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर देखिए एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन होता है, आपको सिंपली एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे पाथ में कुछ नहीं डालना है, ठीक है। पाथ में आपको यहाँ पे डालना होगा पब्लिक, पाथ आपको खाली रखना है, ब्लैंक रखना है। अब इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर देना है। तो एक्सट्रैक्ट पर जैसा दबाएंगे आपका जितना स्पेस होगा उतना समय ले सकता है। तो आपका देखिए जब एक्सट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक्सट्रैक्शन रिजल्ट आ जाएगा, आपके सामने एक फाइल आएगा। अब इसको आपको सिंपली यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आपको इसको रिफ्रेश करना है, रिलोड करना है इस पेज को। रिलोड करने के बाद देखिए हमारे पास एक बैकअप का एक फोल्डर आएगा। अब इस पर क्लिक करना है होम डायरेक्ट इस पर। आप इसके अंदर यहाँ पे देखिए Home DIR के एक ऑप्शन होगा, Home DIR इस पर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब इसमें हमें public_html का ऑप्शन होगा, अब इसको हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए हमारा इंस्टॉलेशन फाइल इतना था, टोटल टोटल आ गया। अब इन सबको हमें सेलेक्ट ऑल कर लेना है। सेलेक्ट ऑल करने के बाद अब ध्यान रखना है आपको जब भी यहाँ पे होस्टिंग का बैकअप बनाए तो उसके पहले आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके शो हाइड एंड फाइल, आपको उस वाले नंबर को चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे HTXS फाइल भी उसमें चला जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप बिना HTXS के ले जाते हैं तो आपका फाइल का एक्सेस नहीं होगा, फाइल का फोल्डर नहीं। साइट तो लाइव हो जाएगा, साइट का मेन पेज फ्रंट पेज खुलेगा, अंदर का आप कोई पेज ओपन नहीं होगा। चलिए तो सारे पेज को सिलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है मूव फाइल पर। मूव फाइल पर सिंपली क्लिक किए, अब इसके बाद यहाँ से जो हमारा है इस सारी के डिटेल को हमें हटा देना है, ठीक है। और public_html हमारा रहेगा, इसके अंदर हमें एक स्लैश देना है। तो फाइल को मूव करने के बाद हम public_html में जैसे हम क्लिक करेंगे उसके बाद तो हमारे सामने देखेंगे कि हमारा सारा का सारा जो उस होस्टिंग में फाइल था वो भी यहाँ पे आ चुका है। आने के बाद अब हमें इधर कुछ नहीं करना है, हमें वापस से अपने सीपल के तरफ चलना है। इसके बाद अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एक और काम करना होगा, ठीक है। इधर आपको आ जाना है, फिर से अपने बैकअप फाइल में जाना है। बैकअप फाइल में जाने के बाद जैसे आपने एक्सट्रैक्ट किया था होम के अंदर, अब इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे इसमें MySQL का ऑप्शन होगा, इस पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपका जो SQL फाइल होगा, जैसे मेरा ये वाला SQL है, ठीक है,
इसको आप डॉट स्क्वायर जो लास्ट में है ये वाला, बाकी इधर भी होता है बट इसको नहीं, ई चाहिए स्क्वायर, इसको सिंपली सेलेक्ट करना है और इसको आप डाउनलोड कर लेना है। काफ़ी छोटा होता है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद हमारा डाउनलोड हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ये जो फाइल है ना बाहर का, इसको सबसे पहले रिमूव कर देते ताकि हमारा जो स्पेस है वो हमारा आगे अपग्रेड हो जाए, क्योंकि अब इसका आवश्यकता नहीं है, हम इसको मूव कर लिए हैं अपने होस्टिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एक फाइल था बैकअप का, दोनों को हमें रिमूव कर देना है। अब हमें सी पर हम का काम खत्म हो गया, अब हमें वर्क करना है अपनी पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल में। अब आ गए, अब यहाँ पे हमें स्काईटेक फोल्डर को खोलना है। फोल्डर को खोलने के बाद अब यहाँ पे देखिए डीबी कनेक्ट डॉट पी एच पी, यानी कि डाटा बेस कनेक्ट आपको करना होगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हम इसको एडिट कोड एडिटर से एडिट कर देते हैं। तो जैसे हम इसको एडिट पर क्लिक करेंगे, अब हमारे सामने एक नया पेज आएगा जिसमें हमारा डाटाबेस का यूजर यहाँ पे होगा, डाटाबेस का पासवर्ड होगा, फिर से डाटाबेस का यूजर होगा, डाटाबेस नेम और डाटाबेस का पासवर्ड होगा। तो हमें करना होगा कि क्या होगा, देखिए हमें सबसे पहले डाटाबेस का यूजर बनाना था। चलिए चेक करते हैं कि इस नाम से हमें यूजर इसमें मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, माई एसक्यूएल डाटाबेस पर सिंपली क्लिक करके इसको न्यू टैब में ओपन करना होगा। तो नए टैब में हमारा सिंपल ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे हमें आप लोग को अपना डाटाबेस बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पे डाटाबेस बनाने के लिए सिंपली हम पेस्ट करते हैं, तो उसके पहले देखेंगे कि हमारा डाटाबेस बनेगा, उसमें हमें ये चैडर 92 स्लैश तब यहाँ पे मिलेगा और इसमें दूसरा था, तो हमें इसको नहीं रखना, इसको हटा देते हैं और सिंपली इस नाम से बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रिएट पे क्लिक करते हैं, उसके पहले देखेंगे हमारा यहाँ पे पहले से एक बना हुआ था, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। रिमूव पर सिंपली क्लिक करके डिलीट कर लेते हैं, पहले आपने तो नहीं हुआ, आपका खाली हुआ, आप चेक कर लेना, ठीक है। अब गो बैक पर क्लिक कर लेना है, अब यहाँ पे हमें बनाना है। तो आपका जो सीपा का जो क्या बोलता है होस्टिंग का जो यूजर है ना, आपको सिर्फ इस यूजर को आपको रख लेना है। पासवर्ड जो है ना, आपको पासवर्ड चेंज नहीं करना, पासवर्ड आप कोई बनाइए, यूजर कोई रखिए, कोई मतलब नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है, इस नाम से हम पासवर्ड सिंपल क्लिक करते हैं, आप किसी और नाम से भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई इसमें रुकावट नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब हमारा देखिए यहाँ पे यूजर खाली है, यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस पर क्लिक कर देना है। क्रिएट डाटाबेस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा एडिट हो गया डाटाबेस। अब गो बैक पर क्लिक करेंगे, अब डाटाबेस का नाम देना है, डाटाबेस का यूजर दे देना है, हम यहाँ पे दे दिया फिर। अब पासवर्ड देखिए हमारा आपको बताया था ना, जो पासवर्ड है आपको उससे मोबाइल पासवर्ड आपको देना होगा। तो पासवर्ड के लिए चलिए मैं पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं, हम इसी पासवर्ड को अब यहाँ पे देंगे, पासवर्ड दिए और इसको नेक्स्ट करके स्ट्रॉन्ग कर लिए। अब क्रिएट यूजर पर क्लिक कर देना है, हमारा यूजर क्रिएट हो गया। आप गो बैक करेंगे, गो बैक करने के बाद डाटाबेस और यूजर को दोनों को हमें ऐड करना है, इसका क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मेक चेंज को सिंपली क्लिक कर देना है। देखिए हमारा सक्सेसफुल हो गया। हो जाने के बाद अब हमें वापस यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे एक मिनट, हमारा जो यूजर है ना ये वाला यूजर को आपको कॉपी कर लेना है। ध्यान रखिए डाटाबेस यूजर और डाटाबेस नेम दोनों आपको सेम होना चाहिए। कॉपी करने के बाद अब आपको आ जाना है अपने इस होस्टिंग में। अब चलिए आपको इसको हम इस पेज को क्लोज करते हैं और एक बार फिर से पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल में जाते हैं, आपको बताते हैं। आप ध्यान देखिए, देखिएगा तीन स्टेप ही आपको अभी इंस्टॉल करना है, उसके बाद साइट आपका रन हो जाएगा। पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल में आना है, आने के बाद अब हमें यहाँ पे स्काई टेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डीबी कनेक्ट डॉट पीएचपी में क्लिक करके इसको कोड एडिटर से एडिट कर देना है। एडिट करने के बाद आपको सबसे पहले डाटाबेस का यूजर यहाँ पे देना होगा, चलिए डाटाबेस का यूजर दे दिए और यहाँ पे डाटाबेस का पुनः यूजर देना होगा। पासवर्ड में छेड़छाड़ नहीं करना, आपका जो पासवर्ड यहाँ पे था सेम वही पासवर्ड है, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पे डाटाबेस का नाम देना होगा। नाम देने के बाद अब यहाँ पे हमें सेव पर क्लिक करना है, हमारा देखिए सेव होना शुरू हो चुका है, देखिए हमारा सक्सेसफुल सेव होगा। अब इस पेज को क्लोज कर देना, क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन का एक फाइल होगा, इसमें भी डाटाबेस एक मिलेगा, यहाँ पे डाटाबेस डॉट वाई मिल, इसको सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पे कोड एडिटर पर सिंपली क्लिक कर देना है। इसमें भी अब हमें अपना जो यूजर था उसको यहाँ पे चेंज कर देना है। यूजर चेंज करने के बाद अब आपको यहाँ से सिंपली सेव कर देना है, इसको भी क्लोज करना है और चलिए अपन लेवल पर क्लिक करते हैं, सॉरी
अब इसमें देखिए हमारा डाटाबेसेस डॉट एमएल का फोल्डर है, इसको भी आप कोडिटर से ओपन करना है और इसमें भी हमें आपको अपना यूजर को स्विच चेंज करना है। यूजर को सिंपली चेंज करने के बाद यहाँ से सेव पर पुनः क्लिक कर देना और इस पेज को सेव हो जाएगा, आप क्लोज कर देना। हमारा काम कंप्लीट हो गया, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, अब इस पेज को लीव कर देना है। अब आ जाना है वापस हमें अपने होस्टिंग में। इधर आने के बाद देखिए यहाँ पे पीएचपी माई एडमिन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पेज को आपको ओपन कर लेना है। न्यू टर्न थोड़ा टाइम लगा, न्यू पेज मिल जाएगा आपको। इस होस्टिंग का डैशबोर्ड ही कुछ अलग दिखा होगा क्योंकि साइट ब्राउन का होस्टिंग है, तो ऐसा ही मिलता है। अब यहाँ से हमारा जो यूजर था उसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट पर सिंपली क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे चूज फाइल करके हमें उस एसक्यूएल फाइल को अपलोड करना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं हमारा चूज फाइल। और इसके बाद हमारा जो यहाँ पे डाउनलोड होकर गया था, यहाँ पे देखिए हमारा है। अब इसको यहाँ पे ओपन करते हैं, देखिए हमारा आ गया। अब इसमें हमें गो पर सिंपली क्लिक करना होगा। अब कुछ लोग का कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे एसक्यूएल फाइल जो है ना उसका जो नाम, तो आपको कोई चेंजेस नहीं करना, सेम उसी नाम से रन दिए आपको चेंजेस का कोई मतलब नहीं है। बस लास्ट में उसका एक्सटेंशन डॉट एक्स क्यू एल होना चाहिए। देखिए हमारा 115 जो फाइल था वो यहाँ पे एडिट हो गया सफलतापूर्वक। अब आप चाहते हैं तो अपना सीपन का यूजर का जो पासवर्ड है आप उसको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। चलिए हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, साइट हमारा रन हो गया। बट अभी साइट हमारे पुराने सर्वर में लाइव हो रहा है, इसी में अभी लाइव हो रहा है, नए में नहीं। क्यों नहीं गया चलिए बताते हैं। आपका टोटल कार्ड वर्क हो गया। अब सिर्फ करना क्या है कि आपका जो होस्टिंग का जो नेम सर्वर है अब आपको चेंज करना होगा। मान के लिए मेरा लोकल होस्ट का भी नेम सर्वर डाला हुआ है, तो लोकल होस्ट का नेम सर्वर अब हमें चेंज करना होगा। तो उसके लिए अब आपको अपने सिस्टम के डीएनएस मैनेजमेंट पेज पर जाना होगा, ठीक है। डीएनएस पेज पर जाना होगा, वहाँ पे आपको चेंज डीएनएस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना होगा। अब आपने जो नया होस्टिंग लिया उसका मेल पे आपको नेम सर्वर मिलेगा, दो या चार नेम सर्वर होगा। आप उस चारों नेम सर्वर या जो भी है आप उसको अपने पुराने वाले नेम सर्वर से रिप्लेसमेंट कर दीजिए। रिप्लेस करने के बाद उसको सेव कर देना। सेव करने के बाद अब आपको इंतजार करना है 12 से 24 घंटे। 12 से 24 घंटे बाद आपका साइट न्यू सर्वर पर लाइव हो जाएगा, आप चेक करिएगा। तो ठीक है, साइट लाइव होने के बाद अब आपको करना क्या होता है, आपको आपका SSL जो होता है ना, SSL को रन करना होता है न्यू होस्टिंग में। अगर आपका कहीं और का भी SSL, मतलब जहाँ से भी आपको, बस आपको अपने SSL को रन कर दीजिए। अगर SSL यूज करते हैं, नहीं करते तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आपका साइट न्यू सर्वर में लाइव हो जाएगा। तो यही था आज की वीडियो सीरीज में कि हम अपने वेबसाइट को माइग्रेट कैसे करें म्यूजिक वेबसाइट को। अगर आपका वर्डप्रेस का भी वेबसाइट है तो वर्डप्रेस में भी आपका कॉन्फ़िगरेशन का फाइल होता है, सेम उसी तरह आपका प्रोसेस आपको इधर ट्रांसफर कर लेना है। आजकल आपको इंपोर्ट डाटाबेस बनाकर इंपोर्ट करना है और यूजर जो पासवर्ड है आपको सेम उसी तरह क्रिएट कर लेना है। बस उसके बाद आपका साइट माइग्रेट हो जाएगा वर्डप्रेस का भी। अगर आप वर्डप्रेस यूजर है, वर्डप्रेस के लिए चाहिए ट्यूटोरियल, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको वर्डप्रेस का भी साइट माइग्रेट करना सिखा देंगे, चाहे आपका होस्टिंग कहीं का भी हो। और एक स्टेप मैंने बताया था कि अगर आपके होस्टिंग में बैकअप का फाइल का ऑप्शन नहीं मिलता तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए देखिए आपको अपने सीपल में जाना होगा, पब्लिक इंफ्रा HTML में जाना होगा। जाने के बाद ऐसा सेटिंग पर क्लिक करने का, हाइड एंड फाइल को अगर अनचेक हो तो चेक करके सेव पर क्लिक करना होगा। सेव करने के बाद आपका हाइड जो फाइल होगा वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंप्रेस का ऑप्शन आएगा, इस पर सिंपली क्लिक करके जी फाइल को आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पे देखिए आप कुछ भी नाम रख सकते हैं आपका, जैसा कि हम रख लेते हैं ये डाल दीजिए। उसके बाद कंप्रेस फाइल पे क्लिक कर देना होगा। अब आपके होस्टिंग के अंदर, मतलब सीपल के अंदर जितना डाटा होगा उसके अनुसार टाइम लगेगा। उसके बाद आपका जी फाइल यहाँ पे बन जाएगा। जी फाइल बनने के बाद डाउनलोड पर सिंपली क्लिक करना होगा और इस जी फाइल को अब हमें डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद इसको अब उस नए होस्टिंग वाले में अपलोड करना होगा। वो कैसे करना है चलिए यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद हम आपको बता देते हैं कि कैसे वो सब करना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको होस्टिंग वाले ऑप्शन नहीं दे रहे तभी करना होगा, और इस स्टेप में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। जितना भी आपका डाटा होगा, अगर 501 GB के आसपास है तो आप कर सकते हैं इसको डाउनलोड करके मिनिमली। अगर इससे अधिक है तो आपको बहुत अधिक समय लगने वाला है, तो आपका समय ज़्यादा जाएगा और परेशानी भी काफ़ी होने वाला है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जहाँ से भी होस्टिंग ले रहे हैं उसमें बैकअप का ऑप्शन अवश्य हो। तो चलिए अब न्यू टैब में चलते हैं। अब यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन होता है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करना होगा, उस फाइल को सेलेक्ट करके इसमें अपलोड करना होगा।
अपलोड करने के बाद आपका जी फाइल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जब आप सिंपली सिलेक्ट करेगा और आप एक्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देना, बस आपका साइट यहाँ पे रन हो जाएगा। और उस तरह से आपको जो प्रोसेस मैंने डाटाबेस बनाना बताया और एसक्यूएल फाइल को अपलोड करना बनाया, उस तरह से आपको कर लेना है। बस यही था आज की वीडियो सीरीज में कि आप अपने साइट को माइग्रेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो सीरीज पसंद आएगी। ऐसे वीडियो के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाए।